सोशल मीडिया में स्टार बॉय आसिम रियाज का हो चुका है बवाल और आज के दिन एक साल पहले की बातें फैंस सोशल मीडिया पे हैशटैग बनाकर उजागर कर रहे हैं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ये जो बात है ये उन आसिम फैंस के लिए है या कह सकते हैं कि बिग बॉस लवर्स के लिए है जिन्होंने बिग बॉस को डाई हार्ट फॉलो किया है। 15 मिलियन ट्वीट्स का दायरा जो है वो आसिम रियाज ने पार किया था लास्ट ईयर दोस्तों, और सेम आज के तारीख पर यानी कि 2 फरवरी के दिन, आज के दिन ये दायरा जो है आसिम रियाज ने क्रॉस किया था। और आपको बताना चाहता हूं कि फैंस ने इसी खुशी में आज एक हैशटैग चला दिया है, 1 year of 15 million ऑफ आसिम। इस तरीके का एक हैशटैग सोशल मीडिया पे भौकाल मचा रहा है दोस्तों। आपको बता दूं तो एक साल हो गया है हमें आसिम के उस जीरो से हीरो बनने तक के सफर को लेकर, जिसके बीच में आसिम ने तमाम तरीके के दोस्तों ऐसे ऐसे सॉन्ग्स करे हैं जो हमारे दिल को छूते हैं, चाहे वो कल्ला सोना नहीं हो या फिर दोस्तों आसिम का भी वहम जो लेटेस्ट आया था वो सॉन्ग हो। आसिम रियाज मतलब इसके बीच भी बहुत सॉन्ग्स आए हैं। तो आसिम रियाज दोस्तों बैक टू बैक काम कर रहा है, बेहतर काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, और हम तो यही कहना चाहते हैं ऑल द वेरी बेस्ट स्टार बॉय आसिम, क्योंकि कहीं ना कहीं स्मॉल टाउन से आने वाले लड़कों को आप जैसे लड़के स्मॉल टाउन से आने वाले लोगों को, नॉट लड़के ही ओनली, लोगों को आप जैसे जो स्मॉल टाउन से आए हैं और अपना नाम इस तरीके से बना दिया है कि क्या बताएं। वैसे दोस्तों आपको बता दूं तो आसिम रियाज की ये खबर आ रही है आजकल कि वो जल्द सलमान खान के साथ शूटिंग कर सकते हैं, और हालांकि एक लीडिंग पोर्टल में ये भी खबर छपी थी कि आसिम ने इस बात का डिनायल भी दिया, बोला है कि अभी लॉकडाउन के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में कोई बातचीत नहीं हो रही है। सो लेट्स सी, वी विल प्रे फॉर द बेस्ट। लेकिन यस, आसिम जो है वो चमकता हुआ सितारा बन गया है दोस्तों। आपको क्या है कहना इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज। चलता हूं मैं, मुझे इजाजत है।